बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं और एक बार फिर अनुष्का सुर्खियों में है। अनुष्का शर्मा ने सेल टैक्स विभाग के नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सेल टैक्स विभाग ने साल 2012 और 13 और 2013 और 14 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए एक्ट्रेस को नोटिस जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनुष्का शर्मा ने पिछले महीने अपने टैक्स कंसेंटेंट्स की मदद से दो याचिकाएं दायर की थी। एएनआई ने मामले को लेकर ट्वीट किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट अनुष्का शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। एक्ट्रेस ने याचिका के जरिए उनके खिलाफ सेल टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को चुनौती दी है। अनुष्का की याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भेजा है। अब मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को 3 सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है और मामले में सुनवाई को 6 फरवरी तक टाल दिया है। खबरों की माने तो कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट्स के जरिए याचिका दायर करने के मामले को ना सुना है और ना ही देखा है। कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकती। 34 साल की अनुष्का ने टैक्सेशन कंसल्टेंट के जरिए सेल टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 2012-13 और 13-14 की बकाया राशि के भुगतान की डिमांड की गई। एक्ट्रेस ने वकील के जरिए दायर हुई याचिकाओं को वापस ले लिया और खुद नई याचिका दायर की है।